नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसराइल और ईरान के बीच में संबंध बेहद ख़राब हैं और ये संबंध खास करके 1979 के बाद और भी ख़राब हो जाते हैं, जहां पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ये कहा गया है कि आज के डेट में इसराइल को सबसे अधिक खतरा ईरान से है और ऐसा ही कुछ कहना और मानना है ईरान का भी। अगर आप इसराइल और ईरान के बीच में कंपेयर करेंगे तो इसराइल के साथ ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ खड़े आपको मिलेंगे और साथ में यूएसए भी। और जहां तक बात किया जाए ईरान के बारे में, तो इसको छुटपुट जो सपोर्ट मिलता है वो प्राइमरीली आपका चाइना से मिलता है, बहुत हद तक रशिया से मिलता है। लेबनान का जो हिजबुल्ला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, कुछ छुटपुट ऐसे ही देशों से या ग्रुप से इनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इसराइल को जो देश सपोर्ट करते हैं, इसराइल एज एन ओवरऑल कंट्री, ये काफ़ी स्ट्रांग है। और साथ में अगर हम बात करें तो बीते सिर्फ 5 सालों में बहुत सारे ऐसे ईरान के हाई रैंकिंग ऑफिशल्स को मारा गया है इसराइल के द्वारा, और ख़ास करके उन सब साइंटिस्ट को टारगेट किया गया है जो किसी भी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो कनेक्टेड थे। जो सबसे आखिरी एक्शन हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में कन्फ्रंटेशन का, वो था इस्माइल हनिया का तेहरान ईरान में मारे जाना। कुछ का ये मानना है कि जिस घर में इस्माइल हनिया ठहरे हुए थे उसके ऊपर बाहर से आके रॉकेट गिरता है या मारा जाता है जानबूझ के, और कुछ का ये भी कहना है कि इस्माइल हनिया जिस घर में ठहरे हुए थे इनसाइड से ब्लास्ट होता है, यानी कि जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें इस्माइल हनिया की जान गई है, ये किसी इनसाइडर का हाथ है। जैसे कि नॉर्मली होता है कि हर एक्शन के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, तो वैसे ही ईरान के द्वारा भी ये माना जा रहा था कि ईरान भी किसी तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। और बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट आए, ना कि सिर्फ इसराइल के तरफ से बल्कि ऑलमोस्ट बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, प्राइमरीली यूएस के द्वारा भी, जहाँ पर ये कहा गया था कि ईरान इसराइल के ऊपर अटैक तो करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसराइल भी अपना बंदोबस्त करके बैठा हुआ था। लेकिन बहुत हद तक कुछ ऐसे भी जो एनालिस्ट थे उनका ये मानना था कि ईरान अटैक नहीं करेगा, उसके पीछे ये वजह है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को वो बनाना चाहता है। अगर वो अटैक करेगा इसराइल के ऊपर तो वो किसी और काम में उलझ के रह जाएगा, सो वो अपने आप को डायरेक्टली किसी भी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, बल्कि वो कुछ प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना चाहता है वेपन से, पैसे से, और उस प्रॉक्सीज के मदद से वो इसराइल पे अटैक करेगा या करवाना चाहता है, लेकिन ईरान खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। और जहां तक बात किया जाए न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो ये एक आपको एक टाइप का ये इंश्योरेंस देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो डायरेक्टली यूएस उससे उलझना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और हर उस देश को बहुत हद तक एक रिस्पेक्ट मिलता है जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इसका कहीं से ये गारंटी नहीं होता है कि अगर आपके देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो आपका देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ईरान के पास भर भर के ऑयल है, नेचुरल गैस है, लेकिन वो उस ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है। उसके पीछे का रीज़न है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। ईरान किसी भी तरीके से ये चाहता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो उसका एक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा मिडिल ईस्ट में खास करके। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो ये भी होगा कि आज जो हमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस दिख रहा है, क्राइसिस कहीं और भी ना बढ़ जाए। ऐसा क्यों होगा? तो प्राइमरीली अगर आप बात करें तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशन बेहद ख़राब हैं, और ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं जहाँ पर यह भी हमें मालूम पड़ता है कि सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, या बहुत हद तक वो शायद बात भी किया होगा यूएस से, जहाँ पर वो कोशिश कर रहा कि किसी भी तरीके से उसे न्यूक्लियर वेपन मिल जाए। लेकिन क्योंकि यूएस एक्सट्रीमली क्लोज है इसराइल का, इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन आए। साथ में अगर बात किया जाए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो बहुत हद तक जो एनालिस्ट है जिनका काफ़ी अच्छा समझ है मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उनका ये मानना है कि ईरान के पास इतना तो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास आ चुका है जिसका इस्तेमाल वो मिसाइल में कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी देश
अप टू 60 से लेकर 90% अगर वो यूरेनियम को एनरिच कर लेता है, तो इस फेज़ का जो यूरेनियम होता है उसका इस्तेमाल आप न्यूक्लियर वेपन बनाने में कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परेशानी आता है वो तब आता है जब आपको जो सारे पार्ट्स वगैरह जब आपको असेंबल करने होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, तो क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो प्रोसेस होता है यही अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली जैसे क्या होता है कि हम किसी काम को आउटसोर्स करते हैं, किसी सामान को कहीं और से हम इम्पोर्ट करते हैं, तो वैसे सारे सामान जिसका किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम में या हो सकता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल हो, तो उसका जो सेल और परचेस होता है उसके ऊपर काफ़ी सख्त तरीके से नज़र होता है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ ले, जैसे कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ कोई भी कंपनी है जो न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अगर वो बेचता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वेरिफिकेशन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि क्यों ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसे जो सामान का अरेंजमेंट करना पड़ रहा वो बहुत ही इलीगल तरीके से करना पड़ रहा, और कहीं ना कहीं जो देश ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी इस बात का डर लगा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके देश के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया जाए। और साथ में अगर हम बात करें रशिया का या चाइना के बारे में, तो देखिए रशिया और चाइना भले ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन चाइना या रशिया किसी भी तरीके से ईरान को एक न्यूक्लियर कैपेबल देश में कन्वर्ट करना चाहेंगे इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ईरान के पास भर भर के ऑयल है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप अधिक ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मशीन्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, और वो मशीन भी काफ़ी हाईटेक मशीन होता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो देश ऑलरेडी ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो उन सब देशों के कंपनीज़ जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का मशीन्स वगैरह बनाता है उसको वो ईरान को नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके से मार्केट में ऑयल अगर अधिक हो जाएगा तो ऑयल का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ईरान के ऊपर वो यही है कि ईरान को किसी भी तरीके से फाइनेंशियली साउंड नहीं करना है, क्योंकि अगर ईरान फाइनेंशियली साउंड होगा तो उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो और भी बढ़ चढ़ कर जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा। ईरान में आज के डेट में जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है वो सम अराउंड 70 से लेके 80% है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ जिसका कि जो इम्पोर्ट है वो ईरान में नहीं हो पाता है। किसी भी तरीके से अगर कोई देश बिजनेस करना चाहेगा तो जो सबसे बड़ा डर उसके ऊपर लगा रहता है वो सैंक्शंस का ही लगा रहता है। और अगर साथ में बात किया जाए ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट ईरान में दो हिस्सों में लोग वहाँ पर बटे हुए हैं। जिनके पास पावर है, सत्ता है, वो वैसे लोग हैं जिनको जो सख्त खिलाफ है किसी भी तरीके से रिफॉर्म करने का, यानी कि वो लोग काफ़ी हार्ड लाइनर हैं। अगर आप हार्ड लाइनर होते हो तो आप किसी भी तरीके से रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से रिफॉर्म करेंगे तो उस ग्रुप में या उस कम्युनिटी में और भी लोग आएंगे, तो जैसे ही उस ग्रुप या कम्युनिटी में और भी लोग आएंगे तो उनके अपने भी विचार रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो आपके अथॉरिटी होता है उसको डायरेक्टली एक चैलेंज पहुँचता है। और जो लोग अपने आप को काफ़ी हार्ड लाइनर या काफ़ी ऑर्थोडॉक्स समझते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं, वो बस इसीलिए बताना चाहते हैं कि क्योंकि उनको किसी भी तरीके से पावर में रहना है। जो प्रेजेंट ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं पेजेस्कियन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी रिफॉर्मिस्ट विचार के हैं, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट के रिफॉर्मिस्ट होने से ईरान में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा है नहीं। ईरान 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान से ईरान कैसे निकलेगा अपने आप को, इवन अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तब भी वो अपने आप को निकाल पाएगा ऐसा लगता नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो उनके टॉप लीडर्स हैं वो एक्सट्रीमली करप्ट हैं, और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी तरीके से फुलफिल हो जाता है, और जो सबसे बड़ा परेशानी है वो ईरान के कॉमन सिविलियंस के ऊपर ही है। तो अगेन अगर आप कंडेंस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझना चाहें तो ईरान में जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वहाँ के लीडर्स ये मान बैठे हैं कि आपको इसी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के साथ रहना है, और मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स है जहाँ पे यूएस के द्वारा पब्लिश किया गया है, इसराइल के द्वारा पब्लिश किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि ईरान बहुत ही क्लोज है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए। वो उस स्टेज पे जाके फंस जा रहा है जिस स्टेज पे उसको किसी भी तरीके से अलग अलग देशों के साथ उसको जो न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं उसको इंपोर्ट करना है। किसी भी तरीके से अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लेता है तो कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है वो एक नया रूप लेगा। नया रूप कैसे लेगा,
एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं जो आर्म्स रेस है वो बढ़ जाएगा, और इस आर्म्स रेस को बढ़ाने के पीछे सिर्फ ईरान ही रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बल्कि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इसराइल भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और साथ में US भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।